हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सोशल विधायक शोभा चौहान के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं का विद्युत विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी दौलत राम चौधरी को सौंपा ज्ञापन। विद्युत बिलों में भारी बारिश आने से एवं विद्युत बिल में नाम से सर चार्ज जोड़कर बिल भेजने के कारण राज्य सरकार के खिलाफ धरना देकर ज्ञापन दिया। बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता सहित ग्रामीण मौजूद थे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के विरुद्ध नारेबाजी कर जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध विरोध नारे लगा रोष प्रकट किया। इस दौरान सोजत विधायक शोभा चौहान, सोजत उप प्रधान कन्हैया लाल ओझा, हनुमान सिंह भैसाना, अनिल कुमार व्यास, भंवर लाल सेंचा, भंवर लाल सैनी, मांगी लाल परिहारिया, भूपेंद्र पाल सिंह, मनोहर कंवर, कमल सोनी, मदन मोदी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण सहित जनप्रतिनिधियों ने विद्युत विभाग के खिलाफ रोष प्रकट कर ज्ञापन सौंपा। हम सभी राजस्थान में किसान भाई हैं। यहाँ पर जो बिजली की दरें बढ़ के आ रही है, बिजली बिल जो बढ़ के आ रहा है, उसमें हाथों में किसानों के करंट लग रहा है। मतलब इतना बड़ा हुआ है कि उनकी इतनी आय नहीं है कि वो उनको भर पाए। बस 10-12 हजार रुपए के जो बिल आ रहे हैं, उनकी वो भरपाई नहीं कर पाते। बेचारे किसान गरीब आदमी है, उनकी मजदूरी भी 5-5 हजार, 2-2 हजार से भी कम है, और वो 12 हजार का बिल कैसे भरेंगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार को कि ये जो किसानों के बिड़े हुए जो बिल आ रहे हैं, कृपया करके उनको कम किया जाए। जागरूक टीवी की सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।